YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उधर हमीरपुर जिले के रंगड़ गांव की सुरभि राणा ने एमटीवी के रियलिटी शो रोडीज में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है और सुरभि राणा का कहना है कि बड़े बड़े स्टार के साथ रियलिटी शो में काम करने में बहुत मजा आया है और उम्मीद है कि हिमाचल के लोगों का स्पोर्ट्स शो के दौरान उन्हें साथ मिलेगा। और साथ ही सुरभि राणा का कहना है कि उनकी तमन्ना बड़े पर्दे पर जाने की है, जिसके लिए अब वो बिग बॉस के लिए ऑडिशन में हिस्सा लेंगी और उम्मीद जताई है कि बिग बॉस के लिए भी उनका चयन होगा। सुरभि का कहना है कि हिमाचल के युवा आज के समय में ड्रग्स के नशे की चपेट में आ रही हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बता दें कि डेंटिस्ट के तौर पर मोहाली में सुरभि राणा नौकरी कर रही है। सुरभि के माता राजेश्वरी राणा रिटायर्ड प्रिंसिपल है तो पिता विक्रम राणा परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त हैं। मुझे लगता है कि अगर हिमाचल के लोगों में रोडीज़ के बारे में, मुझे नहीं लगता ऐसा है क्योंकि रोडीज़ काफ़ी पॉपुलर शो है, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो मुझे लगता है कि मैं प्यार जगा दूंगी, क्योंकि मैं तो हिमाचल की बेटी हूँ, मुझे तो वो प्यार करेंगे ही करेंगे। और जिस चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है तो हिमाचल की बेटी होने के नाते नाते उनको उस चीज़ को भी लाइक करना पड़ेगा। पर हाँ, यहाँ पर भी लोगों का ड्रग्स की तरफ रुझान जा रहा है, वो ना करें। बस जो हिमाचल जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, इनोसेंस, हार्डवर्क और यू नो डू गुड इन स्टडीज, स्पोर्ट्स में अच्छा करिए और हिमाचल का नाम रोशन करिए।